अंधियारी पाट पहाड़ी पर कोका के जंगल में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के मुख्य आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में हत्या, छेड़खानी जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। 31 जनवरी की रात में कोहका के जंगल में अज्ञात बदमाशों ने डोमेश्वर साहू की हत्या कर लाश को छुपा दिया था। हत्या के साक्ष्य छुपाने के लिए शव को दफना कर पत्तों और झाड़ियों से ढक दिया था। पुलिस को जब जंगल से लाश मिली तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का काम शुरू कर दिया। इस मामले में आरोपी धर्मू ठाकुर, रितेश श्रीवास, युगल कुमार ठाकुर, धनंजय कुमार साहू, समीर कुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। आपसी विवाद में इन बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इन बदमाशों के खिलाफ पूर्व में भी कुछ मामले दर्ज हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस इस जांच में लगी और उसकी जो फोटो वीडियोग्राफी करा के नजदीकी गाँव क्षेत्रों में संपर्क किया और सर जगह फोटो को वायरल किया। उसके बाद उसकी शिनाख्त डोमेश्वर साहू, पिता रामलखन साहू के नाम से हुई है, ढाबा का निवासी था, 35 वर्ष का था। इसकी शिनाख्ती के बाद तुरंत इसकी जांच में पुलिस जुट गई और सभी तरह के एविडेंस, चाहे वो टेक्निकल एविडेंस हो चाहे वो ह्यूमन इंट हो, इससे पहले भी एक मामले में जो मोहरा का मामला था उसमें ह्यूमन इंट का काफ़ी अच्छा उपयोग किया गया था, उसी तर्ज पे तुमड़ी बोर्ड के इस मामले में भी ह्यूमन इंट का बहुत अच्छा प्रयोग और सहयोग हुआ। और इसके बाद इसमें 5 लोगों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली, जिसमें धर्मू ठाकुर, युगल ठाकुर और रितेश श्रीवास ये मुख्य आरोपी थे घटना के, जिन्होंने मिलके शराब के नशे में विवाद होने पर 31/1/2024 को, 31 जनवरी की रात को उसकी हत्या की। हत्या करके शव को पास के पहाड़ी नाले में छुपाया, उसके ऊपर पत्ते वगैरह डाले और उसके साथ में धनंजय कुमार साहू और समीर कुमार, ये दो लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है, इसमें भी सफलता मिली है। ये दोनों लोग साक्ष्य छुपाने में उनकी मदद किए थे। इन सभी को आज विधिवत न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।